जय 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 नंदन सुमन और जय 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 जगदीश गुरुदेव नित्यानंद को जो की चरण चलते हैं। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो शुभ कार्य करने से पहले हमें अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए, तो श्री गुरुदेव के चरणों में अर्चन वंदन करते हुए आगे के लिए बढ़ेंगे। भक्त प्रार्थना करता है गुरुदेव जीवन की मेरी नैया, अरे गोविंद मैंने अपनी जीवन रूपी नौका तुम्हारे हवाले कर दी है। जीवन की मेरी नैया तेरे नाम के इसलिए गोविंद अपने हृदय की वेदना सुनाऊं तो किसे।
की धारा इतनी तीव्र है। Yeah।
श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान व्यास आसन पर लोगों विराजमान हैं। अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित अनशन व्रत लेके बैठे हैं। जैसे किसी सरोवर के किनारे पर कोई बगुला बैठा हो, मछली कब छलांग लगाए और मैं अपना भोजन बना लूं। इसी तरह से राजा परीक्षित टकटकी लगा के देख रहे हैं गुरुदेव की तरफ। जो 7 दिन का श्राप लगा है ना, आज 6वां दिवस है। राजा परीक्षित को इस बात की चिंता नहीं है कि कल 7वां दिन हो जाएगा और मुझे तक्षक नाक काट लेगा, मैं दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा, इस बात की चिंता नहीं है। बार बार यही कहते हैं कि गुरुदेव, उन योगी राज कन्हैया की कथाओं को सुनते सुनते मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा। गर्मी ले रही है बहुत। कहाँ तक पहुँच गई परीक्षित जी कथा? श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर भगवान कन्हैया जब थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं, मथुरा में जन्म लेने के बाद रामकड़ संस्कार हुआ, गोकुल में आकर के गर्गा जाति के द्वारा धीरे धीरे कथाएं बढ़ती चली जा रही है। पूतना इत्यादि, अघासुर बकासुर इत्यादि राक्षस आए, भगवान सबका वध करते जा रहे हैं। मगर जब थोड़े बड़े हुए तो तनिक सयाने जब हुए, कृष्ण और बलिराम तो माखन लीला करी उनका पहला काम। सबसे पहले उन्होंने माखन चोरी की लीला की। बंधु, एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। श्याम सुंदर ने सोचा कि मुझे अपनी मैया की परीक्षण लेनी चाहिए, और बंधु ये तो मेरे गोविंद की खास बात है, भक्त को अपनाते जब एक पहले परीक्षा लेते हैं। एक दिन श्याम सुंदर सोचने लगे, मैया यशोदा मुझको बहुत प्यार करे, अरे अजमाए के तो देखो मुझसे झूठो प्यार करे या सच्चो प्यार करे। बंधु, श्याम सुंदर की आज मैया की गोदी में बैठ जाते हैं और मैया यशोदा बहुत दुलार कर रही है। भाइयों, हर माँ के हृदय में ये लालसा होती है, बच्चा जब छोटा होता है कि कब बड़ा होगा और मुझे मैया कह के पुकारेगा। तो मैया यशोदा ने गोदी में बिठा लिया और क्या बोली यशोदा कि मैया Yeah।
प्यार करती है
भाइयों समय व्यतीत हो रहा है, श्याम सुंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन भगवान कन्हैया के मुंह से मैया शब्द निकला, मैया। और जब पिताजी घर आए तो निकल गया बाबा। सारे नगर में डोड़ा पिटवा दिया, आज तो कन्हैया ने मैया कह के पुकारो है, आज तो कन्हैया ने बाबा कह के बुलायो है। श्याम सुंदर एक दिन मैया की गोद में बैठ गए और कहने लगे, मैया हमें एक बात बता दे, ये बता दो कि पूत प्यारो है या दूध प्यारो है। और इसी बीच में ये सम्मानित तुलसी यादव भैया जी 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, और ये 51 रुपए विजय यादव भैया, ये दोनों बादलपुर से चल करके आए हैं, और तुलसी यादव भैया जी की तरफ से 51 रुपए हमारे लिए, 10-10 रुपए सभी स्टाफ वालों के लिए। भगवान कन्हैया ऐसे भाइयों को सदैव आगे बढ़ाते रहे, सद्बुद्धि प्रदान करते रहे, सद्मार्ग पर चलाते रहे।